उत्तराखंड में कई लोगों को खून पसीने की कमाई लुटाना मंजूर है, लेकिन नियमों का पालन करना नहीं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आंकड़े तो कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। स्थिति यह है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी ताबड़तोड़ कार्रवाई के जरिए विभाग को मालामाल कर रहे हैं, तो आम लोगों को खून पसीने की गाड़ी कमाई बर्बाद होने का मलाल भी नहीं दिख रहा। शायद यही कारण है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल नियमों के उल्लंघन के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और इसमें मैदानी जिले बेहद आगे दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में दुर्घटनाओं के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि साल दर साल राष्ट्रीय स्तर पर भी दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड बढ़ रहा है। उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के रिकॉर्ड पर गौर करें तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई में तेजी लाने के बाद भी हालत नहीं सुधर पा रही है। बड़ी बात तो यह है कि लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई होने के बाद भी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में सुधार नहीं हो पा रहा है। आम लोगों को हजारों रुपये ट्रांसपोर्ट विभाग की कार्रवाई के दौरान है जाने के रूप में देने पड़ रहे हैं, लेकिन शायद इसका कुछ खास असर लोगों पर नहीं हो रहा। तभी तो पिछले साल के मुकाबले इस बार जारी किए गए आंकड़ों में यातायात नियमों के उल्लंघन कम होने के बजाय बढ़ गए हैं। सबसे पहले जानिए उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में जारी हुए आंकड़ों की स्थिति। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में 4 जिलों को लेकर नियमों के उल्लंघन से जुड़े जो आंकड़े सामने आए, उसके पीछे कई तर्क भी दिए जा रहे हैं। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि विभाग की तरफ से निगरानी का दायरा बढ़ाने के कारण भी चालान के मामले बढ़ रहे हैं। गढ़वाल के 4 जिलों में करीब 82,000 से ज्यादा चालान काटे गए हैं, लेकिन इसके लिए सड़क पर बढ़ती गाड़ियां भी वजह है। साथ ही रोड सेफ्टी को देखते हुए जिस तरह निगरानी सिस्टम बढ़ाया गया है, उसके कारण भी चालान के मामले बढ़ रहे हैं। लोगों के चालान के मामले में मैदानी जिले सबसे आगे हैं और देहरादून रीजन में जो रिकॉर्ड सामने आए हैं वह इस बात की तस्वीर भी करते हैं। गढ़वाल मंडल के 4 जिलों में तुलनात्मक आंकड़ों को देखो तो पिछले साल की तुलना में लोगों के नियमों का उल्लंघन करने के मामले सबसे ज्यादा हरिद्वार जिले में बढ़े हैं। देहरादून रीजन के 4 जिलों की क्या है आंकड़ों के लिहाज से स्थिति देखिए। प्रदेश में जिस तरह यातायात के नियमों का उल्लंघन किया जाता है, उसके पीछे लोगों की वाहन चलाते समय लापरवाही भी एक बड़ी वजह है। लेकिन इस मामले में केवल गलती आम लोगों की ही नहीं है, बल्कि प्रशासन और सरकार भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। दरअसल शहरों में वाहनों की बढ़ती संख्या के बीच सड़कों के हालात नहीं सुधरे जा सके। इतना ही नहीं, शहरों में पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लोग मजबूर होते हैं और इस वजह से बड़ी संख्या में चालान भी काटे जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली बताते हैं कि उत्तराखंड में साक्षरता दर बेहतर है, यानी पढ़े लिखे लोग राज्य में निवास करते हैं और लोगों को यातायात को लेकर अपनी जिम्मेदारियों का भी पता है, लेकिन कई बार कुछ लोग लापरवाही करते हैं तो कई बार प्रशासन और सरकार के स्तर पर व्यवस्थाओं के कारण भी लोगों को मजबूरी में नियमों का उल्लंघन करना पड़ता है। ऐसे मामले खासतौर पर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर ही होते हैं। इन कारण एक तो वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप जो है वाहनों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। खासतौर के जो उत्तराखंड के जो बड़े शहर हैं, चाहे देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे कि पर्यटकों का भी आना जाना काफ़ी लगा रहता है। तीसरा ये कि जितना सिस्टम जो हमें पार्किंग के लिए, अगर हम पार्किंग की बात करते हैं तो जितने वाहन हैं उस हिसाब से यहाँ पार्किंग नहीं है शहरों के अंदर। और आदमी कई बार जो जागरूक है और जानकार भी है और जो नियम कायदे कानून को समझता भी है, वो जब फोर व्हील पे निकलता है, अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ निकलता है गाड़ी पे जाना उसकी एक मजबूरी है, लेकिन जहाँ भी वो पहुँचता है उसके पास एक स्थान नहीं होता, उपयुक्त स्थान नहीं होता कि वो पार्किंग कहाँ लगाए, तो जल्दबाजी में आदमी, मजबूरी में आदमी कहीं भी लेफ्ट राइट गाड़ी खड़ी कर देता है तो उसका चालान हो जाता है। दूसरी बात यह है कि एक आप देखेंगे कि पहले मैनुअल पद्धति होती थी खाली ट्रैफिक नॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए, अब सिस्टम में काफ़ी ग्रेट हो गया है, आधुनिकरण हो गया है। जगह जगह पर आप देखेंगे कि कैमरे लगे हुए हैं और रैश ड्राइविंग के को चेक करने के लिए भी बहुत सारे आपके पास, एक तो अल्कोहल मीटर हैं जो अपने हमारे प्रवर्तन के जो हमारे फोर्स के लोग हैं उनके पास, और दूसरी बहुत सारी आधुनिक चीज़ें आ गई हैं जिससे पहले आप पुलिस प्रशासन के लोगों के आँखों में आप अगर नियमों का वायलेशन कर रहे हैं उनकी आँख में धूल झोंक के आप निकल जाते थे, अब आपको जगह जगह कैमरे पकड़ रहे हैं, जो आधुनिक तकनीक है वो आपको पकड़ रही है, आपने कहीं वायलेशन किया आप कई बार आपको खुद भी नहीं मालूम होता और 5 दिन बाद 7 दिन बाद आपके जो है फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि भाई आपने वहाँ वायलेशन किया, आपने वहाँ ओवर स्पीड किया है या आपने वहाँ नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है। तो एक दायरा जो बढ़ा है, ये दायरा जो सिस्टम ने एक अपना जो दायरा बढ़ाया है आधुनिकरण का, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरी बात यह है कि सिस्टम जो है जिस तरीके से जब नंबर्स व्हीकल्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से आपको सुविधाएं भी आपको विकसित करनी पड़ेंगी, आपको जगह जगह
पार्किंग भी देनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें अवेयर करने के लिए आपको जो आधुनिक तकनीक का सहारा लेना है, वहाँ साइन बोर्ड लगाने हैं कि भाई आप यहाँ नो पार्किंग है, यहाँ आपको गाड़ी नहीं खड़ी करनी है, यहाँ इतने का चालान हो जाएगा। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सारी की सारी, जहाँ कहीं पब्लिक भी अगर वायोलेशन कर रही है और सिस्टम की भी कमी है, दोनों बातें हैं इसमें। और ये बड़ा एक अजीब सी बात भी लगती है कि उत्तराखंड ऐसा प्रदेश नहीं है, साक्षरता के अगर दृष्टि से देखें तो यहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिस्टम की सुविधाओं के अभाव में और जो सिस्टम ने जो अपना एक दायरा बढ़ाया है, जो अपना आधुनिकीकरण का, ये दोनों बड़े कारण हैं कि जिसकी वजह से जो है नंबर ऑफ चालान बढ़ते जा रहे हैं और जो सरकार के पास जो है रेवेन्यू जो है इस दायरे में जो है ज़्यादा पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है। 82,000 से ज़्यादा चालान किए गए हैं इन 10 महीनों के अंदर, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। उसके दो प्रमुख कारण हैं कि एक, हम लोग रोड सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा सीरियसली विचार कर रहे हैं या हम कार्रवाई कर रहे हैं कि सड़क पर दुर्घटनाएं मिनिमम कर सकें हम इस चीज़ के लिए। उसके लिए हमारे पास नए दल भी आए हुए हैं। आज हमारे पास डायनेमिक फोर्स के तौर पर 4 बड़ी गाड़ियाँ, इंटरसेप्टर गाड़ियाँ हैं, जिनके दल लगातार चेकिंग करते हैं, दिन और रात करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास 3 टू व्हीलर से जो मोबाइल स्क्वाड्स हैं हमारे पास टू व्हीलर के, वो भी लगातार चेकिंग करते हैं। इसके माध्यम से हमारा हर रोड और हर एरिया पर कवरेज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से चालान बढ़ रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा निरंतर वेरिफिकेशन प्रोग्राम भी किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम जैसे स्कूल वैन का वेरिफिकेशन, ई रिक्शा का वेरिफिकेशन, उनका वेरिफिकेशन करने के बाद उनको समय सीमा देते हैं। अगर उस समय सीमा तक अपने कागज या सारे नियम पूरे नहीं करते तो हम उन पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं, उसकी वजह से भी चालान बढ़ जाते हैं। और अभी हमारा ये मानना है कि इन्फोर्समेंट की कार्रवाई और बढ़ेगी, हम कैमरे के माध्यम से भी इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, और उसके पश्चात ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हमारा जो ये टू व्हीलर वाले हैं या कार वाले हैं, ये नियमों का पालन करेंगे और कम से कम सड़क दुर्घटना।